माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 स्टार्ट होने के बाद आपके सामने इस तरह का स्क्रीन अपीयर होता है। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के इस इन्वायरमेंट में अलग अलग एलिमेंट्स को देखें तो इस ओवरऑल एरिया को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप पे एक बैकग्राउंड लगा है, आपको एक फ्लावर दिख रहा है, ये एक डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है। यहाँ पे बॉटम पे एक लंबा सा बार है जिसे हम लोग टास्क बार कहते हैं। इस टास्क बार में एक आपको स्टार्ट बटन है और इस तरफ में आपको नोटिफिकेशन एरिया है जहाँ पे डेट, टाइम, लैंग्वेज, स्पीकर का आइकन और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है। आपके इस डेस्कटॉप के लेफ्ट कॉर्नर पे छोटे छोटे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बने हुए हैं जिन्हें हम लोग आइकन्स कहते हैं। अगर हमें उस प्रोग्राम तक जाना है तो इसी आइकन पे माउस के पॉइंटर को लेके हम डबल क्लिक करते हैं तो उस प्रोग्राम तक चले जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आइकन्स प्रोवाइड करता है, जैसे दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन एंड आपका एक माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। ये चार पांच आइकन्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखते हैं। उसके बाद जो बाकी आइकन्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो या तो किसी फोल्डर के आइकन हैं या किसी अदर एप्लीकेशन के आइकन हैं जिन तक जाने के लिए हम लोग उस प्रोग्राम के आइकन पे ही डबल क्लिक करते हैं। आज हम लोग विंडोज़ 10 के साथ काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप एरिया पर राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। डेस्कटॉप पर जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं हमें एक लिस्ट ओपन होता है और इस लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हम उन ऑप्शन के बारे में देखते हैं। सबसे टॉप पे है व्यू। व्यू कहता है कि आप अपने आइकन्स को किस रूप में व्यू करना चाहते हैं। यहाँ से आप लार्ज आइकन्स कर सकते हैं, यहाँ से आप आइकन्स को मीडियम व्यू कर सकते हैं और फिर आइकन्स को आप स्मॉल व्यू कर सकते हैं। आइकन्स को आप यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन्स हैं, यस अगर इनको हटा दें तो ये आप इन्हें कहीं भी ऐसे रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन्हें ऑटो को एक्टिवेट कर दें ये अपने आप अरेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, यस एक ग्रिड में अलाइन है, आप इसको कहीं से भी ड्रैग करने की कोशिश करें, पकड़ के टाने तो वापस वहीं पर चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे है शो डेस्कटॉप आइकन्स, यस ये देखिए इनेबल है, मतलब आपको आइकन्स को शो कर रहा है। अगर इसे हम डिसेबल कर दें तो हमारे डेस्कटॉप के सारे आइकन्स डिसअपियर हो जाएंगे। वापस व्यू में जाके अगर हम शो डेस्कटॉप आइकन्स करें तो हमें सारे आइकन्स दिखने लगते हैं। उसके बाद हम फिर से राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय यस, आप अपने आइकन्स को डेस्कटॉप पे कैसे अरेंज करना चाहते हैं, नेम के हिसाब से तो नेम के हिसाब से अरेंज होंगे। अगर आप उन्हें अरेंज करना चाहते हैं साइज़ के साथ, आइटम के टाइप के हिसाब से या डेट, जिस तरह डेट को मॉडिफाई हुए तो उस हिसाब से ये अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद बाकी हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश, यस रिफ्रेश अक्सर लोग करते हैं। कभी कभी कोई एप्लीकेशन ओपन हो रहा होता है और वो बहुत देर तक प्रोसेस में है तो रिफ्रेश करके उसे रीएक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट या अंडो रीनेम। अगर हमने पहले से कोई चीज़ें कॉपी की होगी तो यहाँ पे पेस्ट हाईलाइट होता है, क्लिक करेंगे तो चीज़ें पेस्ट हो जाती हैं। जैसे कोई एक नेम था जिसको कि हमने कॉपी किया था, उसको कह रहा पेस्ट करने के लिए, तो चलिए हम लोग पेस्ट करते हैं, ये वापस वहाँ पेस्ट हो गया। पेस्ट शॉर्टकट का मतलब होता है उसकी एक शॉर्टकट तैयार हो जाती है। यहाँ देख रहे हैं आप उसी की एक शॉर्टकट भी तैयार हो गई। अंडू कॉपी, जो भी हम लोगों ने किया था कॉपी उसको अंडू करना है, तो देखिए अंडू करेंगे वो चीज़ें हट जाएंगी जो हमने पेस्ट किया था। यहाँ से आप ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। यस आपको यहाँ पे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ग्राफिक्स, जो कि एक हार्डवेयर है ग्राफिक्स कार्ड जो आपके सिस्टम में इनबिल्ड है, उस ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज़ को हम सेट कर सकते हैं। वो ग्राफिक्स के डिस्प्ले को यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा इंटेल HD ग्राफिक्स इस सिस्टम में है और इस ग्राफिक्स के डिटेल्स को, जैसे उसकी डिस्प्ले सेटिंग्स करनी हो तो हम डिस्प्ले में जाके और फिर डिस्प्ले की सेटिंग्स कर सकते हैं। उसकी यहाँ से देख सकते हैं रेजोल्यूशन को हम बड़ा या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी सेटिंग्स दी गई हैं उसमें आप बिगिनर्स हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, इसके बारे में जब आप एडवांस यूज़र होते हैं तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
उसी तरह से ग्राफिक्स ऑप्शन है, यहाँ से आप भी डायरेक्ट रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं। कभी कभी गलती से आपका ये स्क्रीन जो है वो रोटेट हो जाता है। जैसे आप देख लो, अगर हमें स्क्रीन को 90 डिग्री पे रोटेट कर दे तो ये आपका ऐसा कुछ हो जाता है, आपका ये रोटेशन ऐसे हो जाता है। अब वापस इसको फिर से हमें लाना है तो फिर यहाँ से हमें फिर से जाना पड़ेगा, वहाँ पे ग्राफिक्स ऑप्शन में जाके रोटेशन को 0 डिग्री करना होगा, तो फिर से ये वापस उसी फ्रेम में चला आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी तरह से इसमें एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स एनवीडिया का है ताकि आपकी पिक्चर और गेमिंग के लिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ से उसकी भी सेटिंग्स डिस्प्ले की कर सकते हैं। यहाँ से हम अगले डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह का बैकग्राउंड डाला हुआ है जो आपका चेंज हो रहा है, आप भी ऐसे डाल सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे न्यू एक बटन है जिसे आप एक नई फोल्डर तैयार कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे किसी का नया शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं, यहाँ से आप अलग अलग एप्लीकेशन का एक आइकन तैयार कर सकते हैं। देखिए, हम अगर फोल्डर पे क्लिक करें तो आपके डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर तैयार हो जाता है, आप इसका कोई भी नाम सेट कर सकते हैं। अब उस नाम से आपका एक फोल्डर, ये नाम से पहले से बना हुआ है इसीलिए आपको बता रहा है, तो इसको यस करते हैं, हाँ उसको रखो, हटा के इसी को रख दो। उसके बाद आपका यहाँ से भी डिस्प्ले सेटिंग्स होता है, जहाँ से आप अपने डिस्प्ले की सेटिंग्स कर सकते हैं। अब डिस्प्ले सेटिंग्स में हम क्या क्या करते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे डिस्प्ले है तो दिख रहा है कि आप अपने सिस्टम के ब्राइटनेस को कम या बेसी कर सकते हैं। आप इसको अगर ऑन कर देंगे तो नाइट में थोड़ा सा आपका जैसे ब्लू टाइप का बैकग्राउंड स्क्रीन हो जाता है, ताकि नाइट विजन में आपको सुविधा होती है, तो यहाँ से हम नाइट लाइट को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हम आपकी साउंड की है, साउंड सिस्टम को आप यहाँ से इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आपने कोई इनपुट डिवाइस अटैच किया है तो उस इनपुट डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी आप माइक्रोफोन अलग से अटैच करते हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है सिस्टम में माइक्रोफोन, इसीलिए उसका ये डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, जो कि आपके यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे नोटिफिकेशन आ रहा है, दो नोटिफिकेशन दिख रहे हैं। आप इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ कोई नोटिफिकेशन एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद आपको यस आपको असिस्ट करेगा, कौन सा नोटिफिकेशन आप सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, पहले उसको आपको यहाँ ऑन ऑफ कर देंगे तो चीज़ होगा, तो आपको कोई अलार्म नहीं दिखेगा। पावर और स्लीप के लिए यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं।